खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल से मैं हूं अमिषा पटेल। आइए चलते हैं महाराजगंज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अमन मणि त्रिपाठी बसपा पार्टी विधायक पद के प्रत्याशी के जनता को संबोधित करने पहुंची शिल्पी राज के साथ विजय चौहान सुपरस्टार भोजपुरिया कलाकार। आइए देखते हैं महाराजगंज से इब्रार अहमद खां की यह रिपोर्ट। नौतनवा विधायक पद के प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी ने सभी क्षेत्रवासियों से जनता से अपील की। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आई शिल्पी राज आगमन की जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और अपने जन समर्थकों के साथ अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा विधायक पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जनता का संबोधन किया और जमकर अमन मणि त्रिपाठी और श्याम तिवारी ने पूर्व मंत्री जमकर निशाना साधा, जनता को अपने विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया, विकास के मुद्दों को लेकर जनता से वोट की अपील की और शिल्पी राज सुपरस्टार भोजपुरी कलाकार और कलाकार विजय चौहान ने गाने के माध्यम से लोगों का अपने सुपरस्टार गानों के माध्यम बोलने के लिए बीच में शिल्पी की आखिरी गलत कविता कहते हैं। समय के देखा जगत आप सबका नैया डूबता और हथिया चल के बोल दिया, सबके छत्र पे हथिया चल के बोल दिया और सबके महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत लगाए पैसे में मौजूद हैं और यहाँ चुनावी प्रचार की जहाँ सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, ऐसे में भोजपुरी कलाकार शिल्पी जी आई हुई हैं और उनके साथ उनके समर्थक आए हुए हैं। उन्होंने जनता के बीच आई हैं, उनका क्या कुछ बेनिफिट होगा आइए से जानते हैं। सबसे पहले खबर 7C में नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते, और जितने भी खबर 7C के यूट्यूब चैनल द्वारा मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते। और जी, ये अमन मणि त्रिपाठी के लिए
क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा आप लोग? हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, ये तो आप लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कितने अच्छे इंसान हैं, जैसे अमन नाम है वैसे उनका दिल है, वैसे सब लोग जानते हैं। तो मैंने भारी मतलब विजय बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और ढेर सारा सेवा जी। जबकि आपके इतने जो है चाहते हैं, काफ़ी जनता आई थी, इसमें क्या कहेंगे आप? काफ़ी जनता ये मेरे लिए भी आई थी और अमन भैया जी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। सभी लोग से यही निवेदन रहेगा कि जैसे आप सभी ने आकर के प्रोग्राम को सफल बनाया, वैसे ही भैया को विजय प्राप्त करें। विजय चौहान जी सर, सर आप आए हैं और अमन भैया के लिए क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? नमस्ते प्रणाम, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से भी देखते और हम आयल बनी प्रचार में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे युवा नेता अमन भैया के अमन मणि पाठी जी के विचार में आयल बनी हम मंच पे आओ में हम ये कहूँगी कि भैया बहुत अच्छे हैं, बात हम लोगों को मिली थी और ये क्षेत्र के जनता के ऊपर निर्भर है कि हमारे साथ भोजपुरी कलाकार इनसे बात करके जाना कि इनके प्रचार को क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। उल्टा का यहाँ पे अमन भाई का आज जनसंपर्क था, इसमें जो भोजपुरी कलाकार सिल्की राज भी आए थे और आइए यहाँ पे आए जनता से पूछते हैं क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा उनके चुनाव। सर आप यहाँ पे जनसभा के दौरान आए हुए थे, भूतप्रिय कलाकार आए थे और अमन मणि त्रिपाठी जी ने भी और समय तिवारी जी ने बड़े बड़े जो है वादे किए और अपने कामों को बताया, इसको क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत अच्छा बेनिफिट में आज का माहौल जो हम लोग देखे हैं, आज जो भीड़ था तो लगता है पिछला बार अमन मणि त्रिपाठी को दोबारा विधायक बनाने का। सर एक नारा आपके बीच से कोई लगा रहा था कि नारा को भूल गया, क्या नारा लगाते हैं आप लोग? जय भीम। जय भीम, और क्या लगाते हैं? गब्बर से रमन जी। अब बताइए क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा आज इसके दिन समर्थन से, क्या लगा आप लोग? जी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोग युवा पीढ़ी है उनके साथ कितना जनसमर्थन है? और देखिए आज का जनसंलाभ देख के यही पता लगता है कि हम भी बहुत ढेर सारे वोट जीत रहे हैं। पिछली बार 32,000 वोट से जीते हैं, इस बार 50,000 पार करेंगे और ये सब लोग का आशीर्वाद था अमन भैया के लिए। बहुत सारा हमारे हम लोग के युवाओं के इंटरटेनमेंट के लिए आज अमन भैया शिल्पी राज और बहुत सारे कलाकारों के यहाँ पर उपस्थित कराए, तो अमन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग।